पाक अमरीका सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर इस्लामाबाद में तकरीब हुई। तकरीब में वज़ीर आज़म भी शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में तकरीब में शिरकत को बायस मुसर्रत करार दिया। कहा, अमरीका पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल है। दोनों के दरीना ताल्लुकात हैं जो बामी तआवुन पर मबनी है। मुश्किल हालात में अमरीका ने मदद की, संजीदा बातचीत से आगे बढ़ा जा सकता है। वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि पाक अमरीका ताल्लुकात को चीन और अफगानिस्तान के तनाज़ुर में नहीं देखा जा सकता। Was one of those very few, very first countries which offered full recognition to Pakistan. Our relations should not be seen through the prism of Afghanistan or through the lens of China. Our relations, they stand on its own. वज़ीर आज़म का कहना था कि इमरान खान के धरने की वजह से सीपेक मुतासिर हुआ। सीपेक मुतासिर होने से अवामी रद्दे अमल का सामना करना पड़ा। On top of what we are getting in terms of CPAC projects, let's not delay it, because if there is another dharna, so to say, then this CPAC program will be derailed, and by the time of elections 2018 we won't be able to show anything to the people of Pakistan. Shehbaz Sharif ne dohraya ke maashi taur par apne paon par khada hona chahte hain. हालिया मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। We want to stand on our own feet through dint of hard work. We will burn our midnight oil. We will work untiringly. This disaster, ambassador, is not of our making. वज़ीर आज़म ने वाज़े किया कि सैलाब से 40 लाख एकड़ पर फसलें तबाह हुई। सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन इकदामात कर रहे हैं। सैलाब से तबाही मौजूदा वसाइल से बहुत ज्यादा है। मुतासरीन की बहाली और आबादकारी का मरहला बाकी है।